नेक लोगों की संगत से हमेशा भलाई मिलती है, क्योंकि हवा जब फूलों से गुजरती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। जय हिंद। नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। समय का सदुपयोग करते हुए, समय को बर्बाद ना करते हुए, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। वीडियो अगर पसंद आता है, प्रश्न अच्छे लगते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, बाजरा किस प्रकार का फसल है? ऑप्शन ए रवि, ऑप्शन बी खरीफ, ऑप्शन सी नगदी, ऑप्शन डी जायद। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी खरीफ। खरीफ फसल के और भी उदाहरण हैं, जैसे धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, गन्ना, सोयाबीन, अरहर, ये सब खरीफ फसल के उदाहरण हैं। दूसरे मैं रवि, जायद और नगदी को उदाहरण नहीं बता रहा हूँ, ये याद कर लीजिए। अगर सबको एक साथ करेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, सब मिक्सअप हो सकता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए रेटिनॉल, ऑप्शन बी कैल्सिफेरॉल, ऑप्शन सी थायमिन, ऑप्शन डी टोकोफेरॉल। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रेटिनॉल। ऑप्शन ए रेटिनॉल को हम लोग विटामिन ए भी कहते हैं, और ऑप्शन बी ये कैल्सिफेरॉल वो विटामिन डी का है, ऑप्शन सी थायमिन जो कि विटामिन बी वन का है, और ऑप्शन डी टोकोफेरॉल वो विटामिन ई का है। अगला प्रश्न है, सोडियम बाइकार्बोनेट का औद्योगिक नाम क्या है? ऑप्शन ए नीला थोथा, ऑप्शन बी कास्टिक सोडा, ऑप्शन सी वाशिंग सोडा, ऑप्शन डी बेकिंग सोडा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बेकिंग सोडा। अगला और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, चरक जिन्हें आयुर्वेद का जनक कहा जाता है किसके राजवैद्य थे? चलिए आप लोग इसका ट्राई कीजिए, आंसर बताइए, कमेंट्स कीजिए। ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी गौतमी पुत्र सत्कर्णी, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी विक्रमादित्य। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कनिष्क। इस प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करने के लिए और नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, इससे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। अगला प्रश्न है, हरियाणा हरिकेन के नाम से भी कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन ए सुशील कुमार, ऑप्शन बी ध्यानचंद, ऑप्शन सी महावीर फोगाट, ऑप्शन डी कपिल देव। इसका आंसर बताइए, वीडियो पॉज कीजिए और इसका आंसर बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन डी कपिल देव इसका आंसर होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।